बिहार में मची सियासी घमासान के बीच सह और मात का खेल जारी है। लगातार जदयू और कांग्रेस में टूट की संभावना जताई जा रही है। जदयू और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां और कांग्रेस में टूट की खबर पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह की खबरें आ रही है उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग भी होते हैं तो महागठबंधन की सेहत पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। हम लोग मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस के टूटने की खबर पर विराम लगाते हुए यह भी कहा कि बिहार में सभी कांग्रेस विधायक एकजुट है और सभी उनके संपर्क में है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी जी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ रहेगा। सारी बातें जब तक ये आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर उधर एनडीए में नहीं जाते तब तक इस पर कोई बयान देना मेरा उचित नहीं है। एक बार माननीय नीतीश कुमार चर्चाएं हैं लेकिन एक बार जब वो चले जाएंगे उसका निश्चित तौर पर जब उधर जाएंगे निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम में साझा करेंगे। जब उधर चले ही गए और अश्विनी चौबे जी भी भारतीय जनता पार्टी में वहाँ भी जाएंगे लेकिन एक बार जब तक ये चले नहीं जाते इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर विश्वास हो रहा है कि इस तरह की बातें अपनी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए कहीं ना कहीं उनका स्टैंड जानने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है कि जो चर्चाएं हैं जो सूचनाएं हैं आदरणीय तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं कल गवर्नर के हाईकिंग पार्टी में इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में महागठबंधन लोग बचेंगे मजबूती से बिहार और देश को एक रखने का काम करेंगे। आगे सभी इंडिया गठबंधन के लोग को बिल्कुल अभी देखिए सब लोग एक रहेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विकास किया है देश में भारत वर्ष आजाद होने के बाद से एक भी पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी इसलिए हम लोग बहुत चिंता नहीं करते। इंडिया गठबंधन 28 घटक दल हैं अभी क्या होता है आने दीजिए वक्त बताएगा। अगर वो जाते हैं फिर हम लोग निर्णय लेंगे हम लोगों को क्या करना है। तेजस्वी यादव सूचना मुझे इसका पता नहीं है। जहां तक मैं एक्स सीएलपी भी हूं विधायक भी हूं कांग्रेस का हूं सारे विधायक अभी पूर्णिया जा रहे हैं रास्ते में हैं सभी हम लोग की बैठक है अभी एक भी विधायक कोई अंडरग्राउंड नहीं है किसी का मोबाइल फोन बंद नहीं है जो आप लोग सब लोग चर्चा में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर आज़ाद कराने में अंग्रेजों को देश से भगाया और अब बेईमानों को जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको हटाना है 2024 में इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा पर चलेगी। जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ लाठी खाई हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हों इंदिरा गांधी शहादत दी हो राजीव गांधी ने शहादत दिया देश के लिए इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल मीडिया में गलत प्रचार है सभी 1900 इंटैक्ट है और गठबंधन मजबूत रहेगा और हम लोग पता नहीं आदरणीय नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं वो तो सुनने में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं लेकिन मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है 1900 विधायक एक है एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा। क्या महागठबंधन में जीतन रामा जी क्या रहे हैं कांग्रेस से बात कर ये तो गठबंधन में जो लोग पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले चले जाएं उसके बाद बातें होगी कौन आएगा नहीं आएगा सबकी विचारधारा अपना है जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो यहाँ आएंगे। लेकिन यह अभी कहना अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार ही जी नहीं गए हैं चर्चाएं हैं एक बार वो फैसला होगा उसके बाद फिर हम लोग महागठबंधन में लोग जो बचेंगे अगर माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं मुझे खबर नहीं है इसका चर्चाएं हैं अगर जो बचेंगे वो लोग मिलजुल के तय करेंगे कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं देश को आगे। सर आज जो है सुदीप जयपाल के पास मिलने के लिए सरकार बनी क्या उसमें आप लोग नहीं अभी हमको ऐसी कोई सूचना नहीं है अगर जा रहे हैं मुझे कोई सूचना नहीं हम लोग तो पूर्णिया के रास्ते में हैं पूर्णिया जा रहे हैं सभी विधायक जा रहे हैं जब सूचना आएगा तब इस पर आप प्रकाश। सर ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जो है विधायकों को लेकर जदयू में जा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को लेकर नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं एक भी बात किसी से हुई हो तो बता दीजिए कहीं ऐसी कोई कहा तो 1900 विधायक इंटैक्ट हैं एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है चूँकि अभी देश को लोकतंत्र को बचाना है संविधान को बचाना है युवकों को रोजगार देना है महंगाई रोकना है तो हमें नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं जाएगा। और जब तक जाने का सवाल उठाते कांग्रेस तो पूरे देश को मजबूती के साथ रखेगा और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी क्या कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा निकाले हैं और हम लोग उसी कार्यक्रम में हैं हम लोग को इससे कोई मतलब हम लोग को देश की जनता की चिंता है पहले भी कांग्रेस की विचारधारा रही है देश की जनता की चिंता जात पात से ऊपर उठ के अभी भी है इसलिए कांग्रेस पार्टियों को ऐना मत दिखाए हम लोग मजबूती से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और जो लोग आना चाहेंगे सेकुलर पार्टी और देश के हित में वो साथ में चलेंगे। आग्रह करेंगे इन लोगों से आने के लिए सर जिसको देश के जनता की चिंता है महंगाई की चिंता है युवकों को रोजगार की चिंता है तो उनको आना होगा नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रहे हैं एक भी रोजगार नहीं दिए तो जनता सब देख रही है
इसलिए जो चाहेंगे कि देश के विकास के लिए, युवकों के विकास के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई रोकने के लिए, निश्चित तौर पर वो महागठबंधन में आएंगे और हम लोग मिलजुल के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।